सरदार शहर में बोरलाल देवताओं की तरह पूजा जाता है और गरीबों के मसीहा थे और ये बोले ना राजनीति बहुत काम किया है। अरे बताओ तो सही, अरे ने जितना काम किया ना उन्हें भगवान देवान हो गए आपने बोतल हनुमान मेनिवल। अच्छा आप आरएलपी? आरएलपी। मित्रों सर्दी ने दस्तक दे दी है, सर्दी का मौसम आ चुका है। मैं इस समय सरदार शहर में हूँ। सरदार शहर में केवल सर्दी का मौसम नहीं है, चुनाव का मौसम भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मूंगफली सेकी जा रही है क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूँ सरदार शहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर चुनावी गर्मी है और चुनावी गर्मी में मूँगफली का अगर एक स्वाद और चुनाव की रौनक के साथ देखा जाए तो एक अलग चीज़ है। एक भाई साहब मैं देख रहा हूँ मूँगफली खा रहे हैं, तो पहला कमेंट तो इन्हीं से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम आपका? शमसुद्दीन खोकर। अच्छा सर्दी शुरू हो चुकी है, हम देख रहे हैं आप मूँगफली का मजा ले रहे हैं, तो इस सर्दी में चुनावी गर्मी महसूस हो रही है थोड़ी? बिल्कुल हो रही है साहब, एकदम गाबा काट रखे हैं मेरे। क्या लग रहा है किस तरह की रौनक है बाजार में? बढ़िया रौनक है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। चलिए देखिए नाम एक ही पार्टी का आ रहा है, एक हमारे साथ ये देखिए एक मैं अगर कोई व्यक्ति चोला पाजामा जैकेट पहने, क्यों जैकेट तो मैं नहीं पहन रखा है लेकिन चोला पाजामा नहीं पहना हुआ है, तो उसमें एक नेता की लुक आती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप नेता ही हैं शायद। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार जांगिड़। राम अवतार जी आप क्या करते हैं? पार्षद हूँ मैं। ये देखिए मेरा आइडिया गलत नहीं होता कभी, आप पार्षद हैं कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है। तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में जो टिकट दिया है अशोक पिंचा जी को दिया गया है, और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बलि का बकरा बना दिया गया है। आप इस कमेंट से कितने सहमत? उनके कहने से बलि का बकरा, उन्होंने तो अपने परिवार वालों को अरेस्ट बना दिया। हर जगह भ्रष्टाचार किया इन्होंने, कौन सी जगह छोड़ी है? अभी वन रक्षक का पेपर लीक हो रहे हैं हर जगह ज्यादा से, और एक चार साल से इनकी सरकार बनी हुई है, चार साल के अंदर इन्होंने गरीब का निवाला छीना है। खाद्य सुरक्षा में अगर किसी का भी नाम जुड़ना है वो साइड ही बंद करके चार साल से, अरे ये गरीबों की सरकार बता रहे हैं, कहाँ है गरीबों की सरकार? ये समस्या यहाँ पर आती है जब किसी नेता से बातचीत करते हैं तो वो चर्चा राष्ट्रीय राज्य स्तर पर चली जाती है, लेकिन फिलहाल हम केवल सरदार शहर की बात करें। तो ये 12 महीने हो गए इन्होंने खाद्य सुरक्षा का भारम भरवाया, गरीब परिवारों का 200-250। इस विषय पर हम चुनाव की बात करें। चले फिलहाल ये बताइए कि यहाँ पर अशोक पिंचा जी की कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अधिकतर मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि सहानुभूति सहानुभूति, क्या ऐसा है कि सहानुभूति? भाई सहानुभूति किस चीज की है? आज भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं वो, 80 साल की उम्र में गए हैं, बेटे को राज्य मंत्री बना के गए, काहे की सहानुभूति है? सहानुभूति तो इस गरीब के साथ होनी चाहिए, पिंचा के साथ 5 बार खड़ा लड़ने के बाद 6ठी बार वापस खड़ा हुआ है चुनाव में, सहानुभूति किस चीज की है? देखिए देखिए ये चुनाव है, ये देखिए, चलिए चलिए देखिए ये अब एक मिनट ये हाँ बात करते हैं एक मिनट नाम पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम है महबूब अली किलानिया। जी जी बताइए। सरदार शहर में बोरलाल देवताओं की तरह पूजा जाता है जी, और गरीबों के मसीहा थे और ये बोले ना राजनीति है, बहुत काम किया है। अरे बताओ तो सही, अरे ने जितना काम किया ना उन्हें भगवान देवान हो गए, बताओ कोई काम तो बताओ। सरकार ने 10,000 रुपये तक का तो इलाज भरी है, बोलाल जीतेगा 50,000 वोटों से। अनिल शर्मा अरे लगाओ भाव भाव करो, 30,000 भाव करो, जीतेगा अनिल शर्मा 50,000। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपने बोतल हनुमान मेनिवल। अच्छा आप आरएलपी? आरएलपी। आपका नाम क्या है? नितेश बगड़िया। नितेश बगड़िया। अच्छा ये बताइए कि आरएलपी के बारे में बोल रहे, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है सर, काम बताओ ना, काम बता दो, वो कोई बात नहीं है, काम बताओ हमें। इन्होंने बोला कि मोहनलाल जी को भगवान की तरह पूछते हैं, तो मोहनलाल जी का काम बता दो, हम वोट कांग्रेस को देंगे, वीडियो बना के देंगे, काम तो बताओ अपना। एक बढ़िया चीज, अजय जी तीनों को लीजिए, देखिए ये तीन लोग खड़े हैं, ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी और ये आरएलपी। पहली बार सरदार शहर में मुझे तीन लोग मिले हैं और चर्चा करने में मजा भी आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम किया है, आरएलपी कह रही कि एक दो काम मुझे बताइए, तो उधर पीछे भाई साहब खड़े हैं,
मुझे भी काम कराए है के बाद है हॉस्पिटल बनाए है टंगीवास में रामनगर पास में भानीपुर है। कांग्रेस को काम बताओ, कांग्रेस को काम बताओ, कांग्रेस को काम बताओ। काम खुद रख, काम खुद हुआ। इन्होंने प्रश्न किया है, इन्होंने इन्होंने प्रश्न किया है, इन्होंने प्रश्न किया है। एक मिनट मित्रों, इन्होंने प्रश्न किया है, एक मिनट एक मिनट, इन्होंने प्रश्न किया है। इनका दबाव इनसे ले हुआ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इनसे दबाव ले हुआ, इनसे दबाव ले हुआ। पहले आप अपना, आप अपना, मैं तो यहाँ का एक रहने वाला हूँ, राजू मेरा नाम है। नाम क्या, आप पीछे हो रही है? मेरा नाम राजू, मेरा नाम है जी जी। अब एक सुबेदार जी के कुएं के ऊपर एक पिछली सरकार द्वारा एक अस्पताल बना था जी, तो चालू था। हाँ, इन चार सालों में बंद हुआ है वो। अच्छा, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, के लिए बंद क्यों हुआ वो? वो बनाया किसने, बनाया किसने? पीछे वाली सरकार ने बनाया, पीछे वाली सरकार ने बनाया। अच्छा, राजेंद्र जी ने बनवाया। अच्छा, अब आप जाके देख क्या, यानी भाजपा सरकार में बना और कांग्रेस सरकार में बंद हो गया? अगर नहीं है तो आप जाके देखो। अस्पताल की बात करता हूँ, मैं अस्पताल की बात करता हूँ। एक रामनगर में बनाया, वो बंद पड़ा। और गांव में गंदगी देखो, गलियों में दवा, गंदगी देखो आप। देखिए, मैंने भी क्या कहा था कि मूंगफली पे दुकान पे खड़ा हूँ मैं, सर्दी आ गई है लेकिन चुनाव की गर्मी है। रामनगर का बंद पड़ा है, रामनगर का हॉस्पिटल है ना जी, और एक बाड़ी बास के अंदर दोनों हॉस्पिटल बंद पड़े हैं जी। और आधार ओपीडी थी दिल्ली की, उनकी दिल्ली ओपीडी थी, रामनगर बास की बाड़ी बास की दिल्ली के आधार ओपीडी थी, वो चार साल से बंद पड़ा। अरे ना, अब आप क्या, गरीबों का निवाला छीनने के स्वा झूठे वायदे किए इन्होंने लोगों को। मोहनलाल जी ने काम करवाया, तो इनसे पूछो, काम पूछो सर, आप पूछो। अरे मैं पूछ रहा हूँ तो आप चुप रहेंगे? अरे ये बताएंगे, अब ये बताएं, अब ये करें, काम बताइए। काम है, अभी दो साल से नगर पालिका बनी है कांग्रेस की जी, हर वार्ड में 15-15 लाख के काम हुए हैं, यहाँ पे हर गली में रोड बनी है। मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ ना, वहाँ बीजेपी का बार सजीता हुआ है, उसके बाद में क्या काम नहीं करवाया बताओ? बादल जी बेल के ऊपर हॉस्पिटल बनवाई है, 75 लाख रुपया लगाया, नहीं बादल जी बेल पे 75 लाख का हॉस्पिटल बनाया बादल जी। और नेहरू पार्क का काम हुआ, देख लो आप, नेहरू पार्क का काम हुआ है, और कच्चा बस स्टैंड का काम हुआ है। सुनो भाई साहब, 50 साल राज करे, इनका नेहरू पार्क बनाया है, एक पार्क बनाया 50 साल, कच्चा बस स्टैंड बना दिया। बस गर्मा कर, आप पीछे थोड़ा पीछे, बस घर का मैं कोई काम कर रही हो, 3 करोड़ का बस स्टैंड बना दिया, करवा पार्क बना दिया, और रेलवे स्टेशन के अंदर ऐतिहासिक बस स्टैंड बनाए हमारी नगर पालिका। अरे बात विकास की है, विकास करवाए। चलिए चलिए, आप ये बहस करें, कैंडिडेट खड़ा, कैंडिडेट खड़े। मित्रों, सरदार शहर का गांधी चौक सरदार शहर की हृदयस्थली कहा जाता है, धड़कन कहा जाता है, और मैं सीधा यहीं पे पहुंचा। और जब मैं आया उस समय लगभग 20-25 लोग थे, अब यहाँ पर पूरा मेला लग चुका है। मैं आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आज रविवार का दिन है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन जहाँ मूंगफली बेची जा रही है, सर्दी थी वहाँ पर, इतनी गर्मी महसूस हुई, मेरे भी पसीने छूट गए। एक कैंडिडेट यहाँ पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र सैनी। ये चाय वाला क्यों कह रहे हैं आप? चाय वाला हूँ मैं। चाय वाले हो? लीजिए, चाय वाला तो वैसे ही प्रसिद्ध है हिंदुस्तान में, आप जानते हैं। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, जो वर्तमान में 12 कैंडिडेट, 1 डजन कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 3 कैंडिडेट के बीच में टक्कर है, तो आपसे वैसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस, RLP और मेरी टक्कर है, बीजेपी नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या? सुभाष चंद्र सैनी। सुभाष चंद्र सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारेबाजी शुरू हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी मूंगफली मुझे खाई लेनी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में, सर्दी का मौसम लेकिन सर्दी में भी देख गर्मी का एहसास, वो है सरदार शहर, जहाँ पर उपचुनाव है, लेकिन यहाँ का जो उत्साह लोगों का है, वो ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव नहीं है, रियल में बहुत बड़ा चुनाव है। और शुरुआत में इसको
ये जो आगे के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि मैं भी राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा पर हूं। मुझे एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई डूंगरपुर में, के गुप्ता, जिसको सर्वे का काम दिया गया कि आपको ढूंढना कैंडिडेट कौन है। उनको पता चला कि सुजानगढ़ से पत्रकार, वो उनसे मिले के गुप्ता जी, वो कार्यक्रम भी देखेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तिवारी जी आपको क्या लग रहा है, तो मैंने एज ए रिपोर्टर उनको कंप्लीट बता दी कि मोहनलाल शर्मा जी किस स्थिति की, उनकी स्थिति यहाँ पर रही है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा कैंडिडेट हो सकता है, तो मैंने उनको बताया कि कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, अब भाजपा को डिपेंड है कि वो कौन से कैंडिडेट को उतारता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वे पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया, जिस तरह से सुजानगढ़ में भी बहुत सारे सर्वे, लेकिन आखिरकार फिर से वही कैंडिडेट कैमरा मेघवाल को टिकट दिया गया। ठीक वही परिस्थिति यहाँ देखने को मिली, यहाँ भी कयास लगाए जा रहे थे, जाट लोबी चाह रही थी कि इस बार जाट को खड़ा किया जाए, जाट को टिकट नहीं दी गई, जाट समाज नाराज हो गया। और ये सुनने में आ रहा है कि लालचंद मूड जो RLP से हैं उनके पक्ष में जाट समाज हैं, अब ये तो जाटों के बीच में जाने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ की सरदार सर की बात करें तो गर्मागर्म बहस में ये भी सामने आ रहा है कि बहुत आसान भी नहीं माना जा सकता है। पार्षद जी थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे और जोरदार आपस में टकराव भी हुआ, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर टकराव नहीं है, अगर बहस नहीं है, तो कैसी राजनीति है? राजनीति का नाम ही बहस है। अगर आप TV पर बैठेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेरा ख़राब नहीं होता, मैं मज़ा लेता हूँ, और इन लोगों के बीच में अगर मुझे बड़ा मज़ा आया। मित्रों, SN की टीम आज सरदार शहर में है, जहाँ पर चुनावी रंगत है, चुनावी रौनक है। यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ के दिग्गज नेता भवनलाल जी शर्मा के देहांत के बाद में उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अशोक पिंचा है, कांग्रेस के भवनलाल जी शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा है, जो आर्थिक पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी हैं, और एक और RLP ने भी यहाँ पर अपनी ताल ठोक दी है, जिसके कारण चुनाव में कहा जा रहा थोड़ी रोचकता आ गई है। तो आज रविवार का दिन है, फिर भी आप देख सकते हैं बाजार में अच्छी खासी रौनक नज़र आ रही है, और मौसम सर्दी का है, लेकिन मैं कहूँगा कि चुनावी गर्मी पूरे सभा पर है। दुकानें चाहे बंद हो, लेकिन चुनावी कार्यालय खुले हैं, कांग्रेस का कार्यालय आप देख रहे हैं बाजार में। मित्रों, एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि RLP जो है वो हमारे राजस्थान में अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई है। हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन उनकी सीटों की संख्या 5 तक अभी पहुँचे नहीं है। और प्रत्येक उपचुनाव में, इससे पहले सुजानगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहाँ के नेता अभी भंवरलाल ही थे, उनकी मृत्यु हुई, वहाँ पर भी टिकट उनके बेटे को दिया गया। यहाँ पर भंवरलाल जी हैं, वो भंवरलाल जी मेघवाल या भंवरलाल जी शर्मा, यहाँ पर भी उनके बेटे को टिकट दिया गया है। वहाँ पर भी RLP ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में RLP का कोई जनाधार है? ऐसा है, यहाँ पे तीसरे फ्रंट के वोट बैंक है, और आज से नहीं, जब से रमेश जी पोटलिया संघर्ष करते थे तो तीसरे फ्रंट से ही करते थे, वो उनका वोट बैंक है यहाँ पे, उसको खंगालने की ज़रूरत है। उसको खंगालने से कम मेरे को यूं लग रहा है, अभी क्या जो वातावरण है उसमें 25,000 वोट क्रॉस करने जा रहा है लालचंद मूड, और लालचंद मूड जो क्रॉस करेगा 25,000 वोट, तो ये तेजी है बनके अनिल शर्मा की 35,000 से 40,000 के करीबन पहुंच जाएगी। यानी वो फायदा कांग्रेस को करने, बिल्कुल कांग्रेस को होगा वो फायदा, BJP को लॉस हो रहा है। देखिए, सब लोगों की भावनाएं साफ नजर आ रही है कि इनका भाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अनिल शर्मा की तरफ नज़र आ रहा है। और अभी इन्होंने एक चर्चा की थी कि पीछे रमेश पोटलिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और वैसे भी हमारे क्षेत्र में कम्युनिस्ट का तो नामो निशान भी नहीं है, लेकिन वो एक किसान नेता थे, और अगर लालचंद मुंड की बात करें तो वो एक किसान नेता ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो दुग्ध सहकारी समिति है, उससे जुड़े हुए हैं, और ये सारा कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो हम एक दौरा ग्रामीण क्षेत्र भी करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को RLP कितना प्रभावित करेगी। मित्रों, SN की टीम इस समय सरदार शहर में है, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। दिग्गज नेता भवनलाल जी शर्मा के देहांत के बाद में यहाँ पर ये उपचुनाव हो रहा है, और भवनलाल जी शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दी है, अशोक पिंचा भाजपा के हैं, और RLP के जो हैं वो लालचंद मुंड ने जो है वो टिकट प्राप्त की है। और एक RLP की एंट्री के बाद में कह रहे हैं कि थोड़ा सा रोमांच चुनाव में बन चुका है। मैं इस समय चाय की दुकान पर हूँ, राजनीति की बात आए और चाय वाले की बात नहीं आए, ये थोड़ा सा फीका लगता है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। पहले हम थे मूंगफली की दुकान पर, जहाँ पर लोग मूंगफली खाते हुए चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर डिपेंड करा ये चुनाव, 67,000 वोट शहरों के हैं, 219,000 वोट ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से बातचीत करें, क्या नाम आपका? बादराम। आप कौन से गाँव के? बादराम।
अच्छा ये बताइए कि चुनाव की रौनक आपको कैसे लग रही है सरदार साहब? जोरदार लग रही है जी। हाँ तो ये चुनाव आपको क्या लग रहा है, किधर जाता लग रहा है आपको? विधायक कहेंगे भवनलाल जी की सहानुभूति है, कोई कह रहे बीजेपी के लिए, कोई आरएलपी, माहौल तो देखा ना वही जोर को लगे भवनलाल जी, भवनलाल जी को। अच्छा अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में आप बताएंगे आरएलपी है, कोई कह रहे हैं कि जाटों में ज्यादा आरएलपी का है इस बार, आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? पूरे जात को के ठापड़ा जी तो मन के ठापड़ा। अच्छा आपके देहात में ज्यादा वोट कौन से हैं, कौन सी जाति के? आधा आधा सा है मालेगा में तो। अच्छा अच्छा हाँ, यानी जाट वोट काफी है। देखिये मैं पुनः बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटों का जाट जाति के 75,000 वोट हैं, उसके बाद में 55,000 वोट हरिजन के बताए जा रहे हैं, 45,000 ब्राह्मण वोट हैं, और भवनलाल जी शर्मा जो है ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं, और अनेक जातियों में है मुस्लिम वोट भी 23,000 बताए जा रहे हैं। और आज का चुनाव कहने की आवश्यकता नहीं है, जातिगत आधार पर लड़ा जाता है, और इसीलिए जब जाट को टिकट नहीं दी गई तो आरएलपी ने उसका फायदा उठाते हुए अपना कैंडिडेट जाट को चुना, और उसके कारण थोड़ी सी ये कहा जा रहा है कि सरदार सर की राजनीति में थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है। आपका क्या नाम है? किशनलाल पारिक। पारिक जी मैं जो कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है सही है कि ये जो आरएलपी की इंटरव्यू उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भवनलाल है यहाँ, भवनलाल जी है, और कोई जाटवाद नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है, सिर्फ भवनलाल जी है, सभी जाति के ये लोग, हरिजन हो चाहे जाट हो चाहे माली हो खाती हो कुमार हो ब्राह्मण हो, सभी जाति की है ना भवनलाल जी को मिलती है, यानी सहानुभूति लहर है पूरी, अनुभूति लहर भवनलाल जी की है सिर्फ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सहानुभूति है, एक और युवा चाय पी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा बुधराम। बुधराम, बुधराम क्या कैसा लग रहा है आपको चुनाव? चुनाव तो बढ़िया है एकदम, पर ठीक है कांग्रेस के लिए अब नुकसान है थोड़ा, नुकसान है बोतल नुकसान कर रही है, और आरक्षण पार्टी भी नुकसान है, ये कह रहे हैं कि बोतल नुकसान कर रही है, और वैसे भी बोतल नुकसान ही करती है, बोतल से दूर ही रहना चाहिए इंसान को, लेकिन ये राजनीति की बात करें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बोतल यानी आरएलपी नुकसान कर रही है, तो अब ये बताइए कि उसका चुनाव चिन्ह बोतल ले रहा है, आपके हाथ में गिलास है, तो ये चाय का गिलास क्या संकेत कर रहा है चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं कर रहे चाय तो, सर्दी बढ़ रही है तो बहुत अच्छी लग रही है, चाय तो पीने पड़ती है। अच्छा चुनाव का मजा आ रहा है आपको? मजा तो आ रही है, यानी बोतल कुछ खेल करेगी लग रहा है? जरूर करेगी कांग्रेस के लिए। आपका क्या नाम है? मनोज। मनोज 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 आपको यहाँ बाजार में आपने ठेला लगा रखा है कपड़ों का, सर्दी की चीज़ें भेज रहे हैं, अब ये सर्दी है और हम लोगों से बात लोग करें कि चुनाव की गर्मी, आपको भी लग रही है चुनाव की गर्मी? लग रही है, लोगों का ज्यादा ध्यान चुनाव में भी। हाँ। तो मित्रों हमने सर्दी का थोड़ा एहसास किया, और सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास इसलिए हुआ कि अगर हम मूँगफली की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ भी चुनाव की चर्चा है, और चाय की दुकान पर आते हैं तो भी चाय की चर्चा है, और हमारे साथ चाय वाले हैं, और चाय वाले की बात आती है तो बड़ा नाम आ ही जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कैसी यहाँ पर चर्चा में होती है आपके चाय पीने चुस्कियों के साथ, लोग राजनीति की बात करते हैं अभी? हाँ थोड़ी बहुत बात करते हैं। अच्छा। और अनिल भाई साहब निकल जाएंगे वोटों से आराम से, बात यह शहर में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपने कॉमेंट सुने हैं, शहर में अगर बात करें तो निश्चित रूप से भवनलाल जी शर्मा की सहानुभूति लहर साफ नजर आ रही है, अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या है वो तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने पर पता चलेगा, लेकिन अभी गांधी चौक में जो गर्मागर्म बहस हुई थी भाजपा आरएलपी और कांग्रेस के बीच में, उसे देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं तीनों पार्टियाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, देखते हैं बाजी कौन मारता है। 5 तारीख को मतदान होने वाला है, 8 तारीख को पेटियाँ खुलेगी, यानी ईवीएम मशीन के बटन दबेंगे तब पता चलेगा कि जीत किसकी होती है, कितने मतों से होती है। फिलहाल सरदार शहर का जो रुझान है वो भवनलाल जी शर्मा की तरफ नज़र आ रहा है, यानी भवनलाल जी शर्मा के प्रति लोगों की सहानुभूति नजर आ रही है। SAN 16 के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी अजय सैनी सरदार शहर के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।